बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहरिया प्रॉपर्टी नेटवर्क के साथ मोहम्मद अली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक और ह्यूज आपके लिए रियल स्टेट हम लेकर आए हैं। जैसे कि मेरे अकब के अंदर आप देख सकते हैं, ये विला जो है ये 500 गज का विला ये है, आपके लिए हम लेकर आए हैं। यूनिक, एलिगेंट और इंतहाई सैफायर लुक के ऊपर ये विला इस वक्त बना है। इसकी जो लोकेशन है वो है प्रिसिंट 4 की। प्रिसिंट 4 जो है वो जाना जाता है 500 गज की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और ये सारी जो है यहाँ पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है। अगर गेट के इसके डिस्टेंस की बात करें, गेट से इसका डिस्टेंस बनता है ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर। अगर इसकी सराउंडिंग्स की मैं बात करूँ तो ग्रैंड जामिया मॉस्क, बहरिया हिल्स और मिडवे कमर्शियल ए, मिडवे कमर्शियल बी इसके सराउंडिंग्स के अंदर है सारे। तो आइए आपको इस विला का टूर देते हैं। मजीद देर नहीं करते, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो का कंप्लीट देखिएगा, आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन है, आउटडोर गार्डन, ये ऑलमोस्ट आपको हर विले के बाहर ये मिलता है। आ जाए। कार पार्किंग जो है इसकी वो यहीं से स्टार्ट है। मैसिव कार पार्किंग आपको मिलती है यहाँ पे, इजीली आपकी दो बड़े साइज की गाड़ियाँ इजीली यहाँ खड़ी हो सकती है। ये आप गली देख सकते हैं, गली के अंदर भी एक छोटा सा पैच दिया गया है, ग्रीनरी पैच है, और साथ ही इसकी एक वॉल बनाई गई है जो कि यहाँ पर लाइट्स और इंतहाई खूबसूरत व्यू आपको देगी। और ये गली जो है ये विला के चारों ओर है, चारों तरफ है ये गली में लगे। अब आ जाए आपको इस तरफ का विजिट करवाते हैं। जैसे कि बाहर मैंने आपको बताया था, एक बाहर है लॉन, और वैसे ही अंदर एंटर होते ही एक लॉन यहाँ पर भी है इंतहाई, यानी कि अच्छे तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। आइए हम मजीद अंदर चलते हैं। अंदर दाखिल होते ही आपको ये साइड जो है यहाँ से आपका ऊपर जाने का रास्ता है, और यहाँ पर आपको एक बहुत ही ह्यूज वाइड साइज का आपका ड्राइंग रूम एरिया है। देख सकते हैं आप इतना खूबसूरत बड़ा और वाइड स्पेस का आपका ड्राइंग रूम एरिया है। ये खिड़कियां आप देख सकते हैं जो पीछे उस तरफ लीड कर रही है गली की तरफ। ये बाहर आपका जो व्यू है ये जा रहा है और उधर गार्डन की तरफ। वुडन जो है फ्लोर इस वक्त नीचे यहाँ पर दिया गया है। अब हम यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ से भी एक रास्ता है किचन की तरफ जाने के लिए, लेकिन हम वो बाहर से कवर करेंगे ये रास्ता बाहर जाने के लिए। ये छोटा सा यहाँ पे एक पाउडर रूम दिया गया है, और पाउडर रूम के बिल्कुल साथ एंटर होते हैं अपने मेन हॉल के अंदर। इधर है खूबसूरत आर्ट वर्क किया गया है दीवारों के ऊपर, बिल्कुल ऑपोजिट मल्टीमीडिया वॉल तैयार की गई है। मल्टीमीडिया वॉल आप देख सकते हैं, खूबसूरत एलिगेंट मल्टीमीडिया वॉल है, और साथ ही इसके वो पैच है जो हमने आपको बाहर पहले दिखाया था। अगर छत की हम बात करें तो डिसेंट छतें रखी गई हैं, कोई इनके ऊपर इतना खास यानी कि वो काम नहीं किया गया, लेकिन डिसेंट है, बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं ओपन अमेरिकन किचन है, एक नार्डो डिजाइन के ऊपर तैयार किया गया ये किचन है, अमेरिकन किचन है, और ये सारी एक्रेलिक शीट्स के ऊपर ये बना हुआ है। और यहां पर इसका एक छोटा सा डर्टी किचन है, डर्टी किचन से रास्ता आपका बाहर गली की तरफ भी जाता है। अब हम चलते हैं अपने पहले रूम के अंदर। आपको रूम्स के बारे में बता दूं कि दो कमरे इसके अंदर नीचे हैं और 3 कमरे ऊपर हैं, टोटल 5 कमरों के ऊपर ये विला मुश्तमिल है। आइए आप खिड़कियों का साइज देख सकते हैं, बड़े साइज की खिड़कियां रखी गई हैं हर रूम के अंदर ताकि वेंटिलेशन आपकी अच्छी रह सके। अगेन आप वार्डरोब एरिया देख सकते हैं, वार्डरोब के अंदर अच्छी क्वालिटी की एक्रेलिक वुड लगाई गई है, एक्रेलिक शीट लगाई गई है। ये आपका ड्रेसिंग एरिया है जो बिल्ट इन ड्रेसिंग एरिया है। अगर हम बाथरूम की बात करें तो बाथरूम इसके अंदर बहुत ही मैसिव किस्म के बाथरूम दिए गए हैं। आप कंट्रास्ट देख सकते हैं, इतने खूबसूरत कंट्रास्ट है इसके वॉशरूम्स की, इतने ही अच्छे तरीके से वॉशरूम तैयार किए गए। साइज बहुत मैटर करता है और साइज बहुत अच्छे तरीके से ऑक्यूपाइड किया गया है इसके अंदर। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ये है इसका मास्टर बेडरूम। आइए मास्टर बेड का साइज देख सकते हैं, ह्यूज साइज, दो विंडोज पीछे गली की तरफ आपकी दोनों विंडोज फेस कर रही है। ये इसका वार्डरोब एरिया है, ड्रेसिंग भी अंदर बिल्ट इन, ड्रेसिंग भी अंदर जो है वो बिल्ट इन है, और अगेन एक्रेलिक का शीट का काम किया गया है। आप सामने वॉशरूम का आप देख सकते हैं स्पेस, कितना ही खूबसूरत स्पेस वॉशरूम का है। अगेन बहुत ही अच्छे डिजाइन से ये तैयार किया गया है, और शीशे बहुत ही बड़े बड़े मैसिव लगाए गए हैं इसमें। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ऑलमोस्ट हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर इस वक्त कंप्लीट कवर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, रियल स्टेट आपको अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये रियल स्टेट और रिव्यू आज का हमारा कैसे लगा। आइए चलते हैं ऊपर। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी व्यू मंगस, आपको ये एक मिलता है मिरर जिसमें शीशा मिलता है, जिसमें कि आप ओवर थ्रू बार देख सकते हैं।
और ये सनलाइट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, कि सनलाइट पूरे तरीके से घर को आपके कवर कर सकते। अच्छा जी, हम लोग इस वक्त आ चुके हैं अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। हमारे इस साइड के ऊपर जो है वो सारे रूम्स हैं, हॉल्स हैं, और इस साइड में हमारा टेरिस है और एक कमरा है। आइए आपको पहले हम ये साइड के ऊपर बात करें। एंटर होते ही सीढ़ियों के बिल्कुल सामने पहला रूम ये है हमारा, जो कि बाहर फेस कर रहा है रोड की तरफ। अगेन आप खिड़कियाँ देख सकते हैं, बड़े साइज की खिड़कियाँ हैं। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अब ये जो इसका फेस है, अब ये देखें यहाँ से ये फेसिंग क्या क्या कर रहा है इस वक्त। ये फेस कर रहा है इस वक्त आपका ये पुल, जो कि प्रेसेंट 6 और प्रेसेंट 4 को इस वक्त लीड कर रहा है, और इसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पर डैम है और मिड वे कमर्शियल व्यू भी कर रहा है। आ जाए अब आप उसको, अब आपको इसका ये बॉर्डर व्यू भी दिखाते हैं। एक्रेलिक शीट्स, अगेन आप इसका वॉशरूम देखना, बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम है। सैनिटरी जो है वो सारी पोर्टा की लगाई गई है, हाई एंड क्वालिटी की सैनिटरी इसके अंदर यूज की गई है। ये है हमारा टेरिस, इसको हम सबसे एंड के अंदर कवर करेंगे। अब आ जाते हैं अपने हॉल की तरफ। हॉल का साइज देखिए, बहुत ही ह्यूज मैसिव हॉल है। ये आर्टवर्क जो है यहाँ पर हल्का फुल्का सा काम चल रहा है, और ये इसकी विंडो है। अगर आप विंडो से बाहर का आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं, तो ये बैरियर पे जो है ये डैम है प्रेसेंट 4 का, जहाँ की ये फेसिंग इस वक्त कर रहा है। और डैम के उस तरफ भी प्रेसेंट 4 ही है पूरा, आप देख सकते हैं। और हॉल के बिल्कुल ओपन अमेरिकन किचन आपको मिलता है, छोटा सा किचन है। अगेन बहुत अच्छी क्वालिटी का डिजाइन किया गया है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छी रखी गई है इसकी। हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के अपने दूसरे रूम के अंदर। ये सेम वही रूम है जो नीचे हमने कवर किया, सेम उसी लोकेशन के ऊपर ये रूम है। अगेन वही विंडो है इसकी, साइज बहुत अच्छा है रूम का। वो इसका वार्डरोब एरिया और साथ ही उसके वॉशरूम, ये भी बहुत अच्छी कंट्रास्ट के अंदर, फॉरेस्ट कंट्रास्ट के अंदर ये आपको वॉशरूम तैयार किया गया। वार्डरोब इतनी है कि आपको और किसी मजीद एक्स्ट्रा वार्डरोब की मेरा ख्याल में जरूरत नहीं पड़ती वाली इनके अलावा। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। सेम उसी लोकेशन के ऊपर, नीचे मास्टर बेडरूम था उसी लोकेशन के ऊपर है। लोकेशन तो चेक करवाएं हमारे व्यूअर्स को, देखें लोकेशन, ये डैम उधर प्रेसेंट 4 के मजीद विले, यहाँ से आपका प्रेसेंट 4 का आपको पुल नजर आता है, मिडवे कमर्शियल है, और क्या चाहिए हमारे व्यूअर्स को। इतनी खूबसूरत फ्लोर लेकर आते हैं हम आपके लिए। ये इसका वार्डरोब एरिया, और वार्डरोब एरिया के साथ इंतहाई एलिगेंट डिजाइन का इसका वॉशरूम। अब हम चलते हैं जी अपने टेरेस की तरफ। वीडियो को हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। आइए हमारे साथ, आपको इसकी प्राइस के हवाले से भी मजीद बताते हैं। तो आइए वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और इसकी प्राइस के हवाले से अगर बात कर ले तो 6,50,00,000 की डिमांड पे ये विला हमारे पास मौजूद है। आपको एक मजे की चीज़ ज़रा और दिखाता हूँ मैं, वो देखें सामने ग्रैंड जामा मॉस्क, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद, और उसके बिल्कुल साथ ही आपको मिलता है, और उसके साथ ही बिल्कुल आपको मिलता है फ्लैग पोल। प्रीसेंट 9 के अंदर ये मुश्तमिल है, और ये पाकिस्तान का टॉलेस्ट फ्लैग पोल है। अगर ये विला आप खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना विजिट लाइनअप करवा सकते हैं। मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग रियल स्टेट वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगले टूर के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।